आई गया मुंबई जाने का भाई। आपकी फर्स्ट फीलिंग जो आई? मैं हमारी ये थाली। तो अब हम आए हैं सिद्धि विनायक मंदिर। ये शाहरुख खान का मंदिर यानी ब्लैक पिंक की एरिया। वर्ल्ड वाइड हैंडसम, वर्ल्ड वाइड हैंडसम। इधर रखे हुए हैं जी। को दिक्कत नहीं है। हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम जा रहे हैं मुंबई और फाइनली ये मौका आ ही गया है मुंबई जाने का। मेरा पता नहीं बचपन से सपना था मुंबई जाने का और आज जाके पूरा हो रहा है जब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। मम्मी पापा से कहा था कभी लेके नहीं गए, प्लान बने भी थे बट वो कैंसिल होते रहे। बट अब फाइनली आ गया है कि मैं जाऊँ और मुंबई की लाइफ देखूँ थोड़ी। आज हम जा रहे हैं मुंबई एयर इंडिया से और सब कुछ हो चुका है चेक इन सिक्योरिटी वगैरह। बट ओ माई गॉड, चेक इन के लिए बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी थी। इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए भी इतना वेट नहीं करना पड़ा जितना इसके लिए करना। लगभग एक घंटा हो गया था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अपने पहले फ्रेंड से मिले मुंबई आते ही जो कि है मुंबई से। सोना से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है आज। अच्छा, थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा। हम मिले थे इंस्टाग्राम के थ्रू। Yes. और हमने बातें की और फिर हमने प्लान बनाया चलो मिलते हैं और फाइनली आज मिल भी लिए। ये मुंबई का सनसेट होने वाला है और ये लोग टहलते हुए। तो मुंबई आके फर्स्ट फीलिंग जो आई? अरे मुंबई की गर्मी, ऐसा लग रहा था मैं मई में दिल्ली आई हूँ दोबारा। ट्रैफिक यहाँ का, लोग मजाक नहीं करते जब ट्रैफिक की बात करते हैं। अभी देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, सोनल एयरपोर्ट से नवी मुंबई तक ऑटो में आई है। ऑटो में जिससे पता ही नहीं था, मैं किसी से पूछा मैंने मेट्रो कहाँ है, वो कह रहे मेट्रो एक ही जगह चल रही है। पता नहीं कौन लड़की आ गई है दिल्ली से मुंबई। ऑटो वाले ने इसको पक्का बेवकूफ़ बनाया है और ये मैडम बन गई ऊपर से। उनके लिए अच्छा सोच रही हैं कि आज मैंने ऑटो वालों को कुछ अच्छा कर दिया उनके लिए। मैं तो कोई नहीं, आज रात सो के सुबह ठीक हो जाऊंगी दोबारा। बट किसी का कोटा पूरा हो गया होगा एक दिन का कमाने का। यस। तो बस, और गर्मी वाकई में बहुत है यार। मुझे लोगों ने कहा था कि कोई गर्मी, मुंबई तो एक ही जैसा टेम्परेचर है, सुहाना टेम्परेचर। मैं यही एक्सपेक्ट करके आई थी और यहाँ पता चला यहाँ तो मुंबई भी ज्यादा हो रहा है। मुंबई के टेम्परेचर इस साल बहुत ज्यादा हुआ है, अदरवाइज इस टाइम पे इतनी गर्मी होती नहीं यहाँ पे। मे भी उनको पता था सोना लाने वाली है तो हॉट इस वजह से। यस, उन्होंने बोला कोई हॉट बंदी ऑलरेडी आ रही तो हम भी थोड़ा हॉट हो जाए। बाय द वे मैं बता दूँ, सोनल रियल लाइफ में बहुत अच्छी हैं। एडिट मत करना इस पार्ट को। मैं सोच ही रही थी, मैंने कहा बोलो बोलो बोलो। हाँ, सोनल रियल लाइफ में बहुत ही अच्छी हैं। आई मीन वो फर्स्ट टाइम मुंबई आए, मैं से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं बट एयरपोर्ट से सीधा मुझसे मिलने, 2 घंटे ट्रैवल करके वो यहाँ पर आएंगे नवी मुंबई, वो भी इतनी गर्मी में। जस्ट इमेजिन कितनी अच्छी होंगी सोनल। नहीं, लोग सोच रहे होंगे अरे ये तो कोई भी कर सकते, क्या बड़ी जगह है, माउंट एवरेस्ट तोड़ नहीं, नहीं, नहीं कोई भी नहीं कर सकता यार। लाइक हम लोग पहले इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स थे बट रियल लाइफ में तो आज पहली बार मिले हैं और किसी स्ट्रेंजर के लिए ऐसे करना आई डोंट थिंक सो कि हर कोई पॉसिबल कर सकता है।
यार मैं कर सकती हूँ, मुझे लगता है सभी कर सकते हैं। सोनल बोला डाउन टू अर्थ है बहुत ज्यादा। ठीक है, इसके तुम्हें 50 रुपए मिल जाएंगे। दोस्तों जो सोनल के एक्चुअल फ्रेंड्स हैं, आई थिंक आप लोग बहुत ब्लेस्ड जो कि सोनल आपकी लाइफ में है, और जो लोग की लाइफ में सोनल आने वाली है, बी प्रिपेयर्ड। आप लोग बहुत लकी हो कि वो आपकी लाइफ में आने वाली है। वैसे मैं हूँ, 4 लाख से ज्यादा लोगों की लाइफ में हूँ। तो सोनल आपको कैसा लगा नवी मुंबई आके? अभी दिन में आई थी तो बहुत गर्मी थी आज सच में, है ना। अब जाके थोड़ी ठीक हो, हम स्कूटी चलाएंगे। यस, हम स्कूटी चलाने वाले हैं। ये पीछे बैठेंगी, मैं चलाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं ठोक दूंगी। मैं इनको यादें बना के जाऊंगी बहुत सारी। अब ये तो तारीफ कर रही है, अगली वीडियो में कहेंगी। ठीक है, अगली वीडियो में देखते हैं कि हम क्या बोलते हैं सोनल के बारे में। ठीक है, उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। पैर ऊपर कर लो, मेरे पैर नीचे वाला ऊपर नहीं होंगे। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। ओके, सोनल अच्छा चला रही है यार, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। Every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight. ये वाला आपका है, तो मुझे बताते जाना आपको कौन सी चीज चाहिए। पापा मम्मी को भेजना। It's just us two. और इसका प्राइस क्या रहता है एक थाली का? सादा लेंगे आप, अगर आपको छाछ नहीं आपको चाहिए, दही और गुलाब जामुन चाहिए, तो वो सादा वाला अपना 75। आपको जो चाहिए अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा मिक्स कीजिए। चलो हम खाते हैं। Hey guys, तो डे टू है मुंबई का, और हम फर्स्ट टाइम लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं। ये हमारी टिकट, कहाँ जा रहे हैं हम? दादर टिकट मस्जिद के अंदर करती है। मुंबई का लोकल सफर करते हुए ये हमारा लेडीज कोच, और हम यहीं पे खड़े रहेंगे, और यहाँ पे अभी ट्रेन आएगी। और स्पेशली हम मुंबई आए थे अक्षरधाम से मिले। सॉरी, हम मिले थे कोरिया में, फाइनली हमने बहुत किया। सिद्धिविनायक मंदिर, और यहाँ बहुत यस ऑन द वे, और यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा है सब कुछ। फ्लावर मार्केट होती है सुबह में। अच्छा, फ्लावर्स बहुत दिख रहे हैं, कचरे वगैरह बहुत हैं यहाँ पे। वाह, मेरा मन तो कर रहा है मैं ले लूँ, लगा लूँ, ले लो एक कचरा लगा लो। तब जाके हमें अंदर एंटर देने दिया जाएगा, और पूरी तैयारी हो गई है अंदर दर्शन करने की हमारी। ये कर लेते हैं, दिल्ली कर लेते हैं। हाँ जी,
नाम बड़े इंटरेस्टिंग है, दिल लगी, गंगा जमुना और काफी कुछ है यहाँ पर। ये कौन सा भैया? गंगा जमुना। पियो ना, ट्राई करो तुम और बताओ मुझे। नीचे बैठ के हाथ से खिलाओ। ये बच्चे आ गए ऐसे नहीं, उसको हाथ पे बुलाओ ना। अच्छा बहुत ज्यादा कार वगैरह देखने को मिल रही है, गर्मी में सब बाहर निकल रहे हैं हमारे घर से। अभी हमने महालक्ष्मी जी का टेंपल घूमा, अंदर गए हमने दर्शन किए, हाजी अली दरगाह देखी यहाँ से, वहाँ दूर से अंदर नहीं गए वहाँ पे क्योंकि भीड़ बहुत थी और गर्मी, और हमने जूस पिया और हमें प्रसाद निकला आज। चलो अब हमें बांद्रा जाना है, दीपिका पादुकोण से मिलना है। दीपिका पादुकोण मिलेंगे ना आपको? हाँ, अपॉइंटमेंट ली हुई है अपनी? उसने उससे फाइनली इतने ट्रैफिक के बाद, इतने टाइम के बाद अच्छे से हम पहुंच गए हैं कहाँ? बैंड स्टैंड। ये हमारा व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये भैया क्या पीते हैं? इडली सांभर। इडली यहाँ पे भी लोग खाते हैं? यहाँ बैठे बैठे खाएंगे ना, बैठे बैठे। मुझे लगा इडली सांभर भेलपूरी वगैरह तो खाते हैं। ये देखिए शाहरुख खान का मन्नत, फाइनली देखने स्पेशली से आए नहीं थे बट ये बीच में आ गया और कोई फोटो खिंचा रहा है वहाँ पर। और ये इनका घर अंदर पेड़ों के पीछे, इस बार याद रखें। क्या नाम है बता दो? हिल रोड। अब हम आए शॉपिंग के लिए, यहाँ पे बहुत कुछ है लेने के लिए। और ये हमें मिले हैं यानी ब्लैक पिंक की न्यू एरिया, ये ले रही हैं अपने लिए। अरे तुम तो आर्मी हो ना? यस। हिल रोड मार्केट, इसमें पर्पल कलर होता है ना तो मैं ले लूं? पूछ लो भैया, पर्पल कलर है इसमें? कलर है सबके 200 रुपए है। अभी ना एनर्जी नहीं है तो मैं पता नहीं देख रही हूँ, बाद में मुझे पता है रिग्रेट करूँगी। अरे यार ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ये कौन है? जिन वर्ल्ड वाइड हैंडसम। ये मेरे BTS। ये तुम्हारे BTS मिल गए? ओह वाओ, जंप वाह वाह वाह। अब आया ना शॉप, ये मैडम जल्दी से पास के आई, इससे भी इनको जल्दी से पकड़ लिया। BTS न्यू एरिया। अगर ज्यादा मीठा पसंद है खत्म होता है। हमने बहुत कुछ किया है। क्या बोल रहे हैं? बहुत ज्यादा सकू मैं, बहुत ज्यादा घुमाया है इसको। ऐसा लग रहा था मेरे साथ ये भी टूरिस्ट है। ये मैडम जो भी ऑर्डर हमने किया थोड़ा सा खा के मुझे दे देती थी कि आपको खत्म करना है। और चले काफी यार, दो मंदिर देखे, बीच देखा, मार्केट देखा,
एक डेजर्ट खाया, खाना पीना बहुत खाया, यहाँ की पानी पूरी खाई जो बहुत टेस्टी थी। और यहाँ की ट्रेन बहुत हवादार, नेचुरल।